इनका हिंदू धर्म से रोजगार कमा रहे हैं। इनके यहाँ के देखो जाके जो हिंदुओं को ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए की संपत्ति है हिंदुओं को। मंदिर के कौन सा हिंदू होगा भाई, मंदिर के 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, सब खा गए हमारी बहनों ने बेटियों ने, मंदिर के लिए जो अपना सोना चांदी दाल जो उस जमाने में दिया था वो सब खा गए। अभी देख रहे हो ना भगवान राम की उसमें 18,500 करोड़ का घोटाला, 18 करोड़ का घोटाला कर दिया। इनका हिंदुओं से क्या लेना देना है, ये भगवान राम से भी बड़े बनना चाहते हैं। राम का ही घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। जब कोई सरकार आएगी जब जाँच करेगी, राम के नाम पर ही घोटाला है। राम का नाम इन्होंने जब जब लिया, जब जब देश को और उत्तर प्रदेश को लूटा है इन्होंने। राम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, राम से इन्हें कोई इन्हें मोहब्बत नहीं। जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवाते हैं। नहीं बोलते भाई, जय श्री राम बोलते हैं, सिया राम नहीं बोलते। भगवान सीता माता से तो उन्हें नफरत है, जैसे आरएसएस वालों को सीता माता से कोई लेना देना नहीं। बहनी बेटियों की आबरू कितनी लुट रही है, उन्हें बहन बेटियों से सख्त नफरत है। कि उन गोरे अंग्रेजों से तो मुझे आज़ादी मिल गई थी, हमारे मतवाले जो देश के मतवाले थे भगत सिंह जैसे योद्धा थे उन्हें हमें आज़ादी दिला दी थी। लेकिन ये जो हमारे ही वोट के माध्यम से जो हमें काले अंग्रेज मिले हैं, ये हमने गलती कर दी। ये एक्चुअली अडानी अम्बानी के मुनीम निकला, ये देश के प्रधान सेवक लायक नहीं था, प्रधानमंत्री के लायक नहीं था। हमें बहुत इसने बताया था कि अच्छे दिन, अब अच्छे दिन की भाषा हमसे बुलवाना चाहता था और अच्छे दिन खुद बोलता था। तो ये पूरी की पूरी आप ये देख लोगे, इन्हें 8-7 साल हो गए हैं, पूरी की पूरी अडानी और अम्बानी के मुनीम वाले काम कर रहा हमारे प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास के सदन के 500 मीटर दूर हमारे देश को तोड़ने और फोड़ने का और हमारे देश को विघटन करने का और देश को बर्बाद करने के नारे लगाए जाते हैं, उसी पर संविधान को फाड़ा जाता है, संविधान जलाया जाता है, कोई भी कुछ भी बोल के देश के लिए ऐसे ही निकल लेता है। और देश के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे हमारे डॉक्टर साहब, उनकी आप देखोगे किसी भी चौराहे पर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इस उन्होंने जो संविधान रचयिता थे, हर जन जन को उन्होंने जो देश को संविधान दिया था, गरीब को मजबूर को मजदूर को बोलने की आवाज़ दी थी, उनका आज बिहार से लेकर के और बंगाल से लेकर के किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, अब वहाँ ममता दीदी का शासन है इसलिए नहीं, जहाँ इनका शासन है वहाँ देख लो कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, संविधान को जंतर मंतर पर जलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के मुँह से कभी दो शब्द नहीं निकलते, उनके लिए ट्वीट नहीं करते। हमारे 600 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, कभी दो शब्द नहीं बोले। वो प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री है भाई, वोट लेने आए थे तब हमसे राष्ट्र निर्माता कहा था, हमें राष्ट्र का बहुत बड़ा वो कहा था, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद ये हमें आतंकवादी मवाली टिर्री आंदोलनजीवी कौन कौन सा हमें भाषा नहीं बोला। कोई अपने किसान को अपने देश के अन्नदाता को ऐसा बोलता है? पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देखा होगा आपने, कभी भी आपने ऐसा देखा कि कोई अपने अन्नदाता को अपने राष्ट्र के निर्माता को, जिस घर में भगत सिंह जैसे जिन घरों में इतने बड़े बड़े गरीब अभी मेडल जो आए हैं देश के अंदर कौन लाया है? गरीब बच्चे के किसानों के बच्चे जो सारी जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड जीत के आए हैं वो तो अंध भक्तों की ये भाषा है कि वो तो प्रधानमंत्री थे इसलिए जीत गया। भाई ये कुछ भी कह सकते हैं, ये बीमार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इनका दिमाग चल चुका है। ये बस इनको सिर्फ ये दिखाई देती है कि प्रधान पता नहीं कौन सी मंदिर बन गए, मस्जिदें बन गई प्रधान जी की मंत्री के नाम के। प्रधानमंत्री देश में चलाने में सक्षम नहीं, देश को बांटने में सक्षम है। और ये किसान अगर सही समय पे आंदोलन पे नहीं बैठा होता तो अब तक हमारी ज़मीनों पे अडानी अम्बानी के कब्जे हो गए होते, हमारी जो रोटी है वो खजानों में और अडानी अम्बानी की गोदामों में बंद हो गई होती। अब तक शहरों में जो ये 850 स्क्वायर के फुट में जो लोग रह रहे हैं ना, दो गोलू मोलू बच्चे लेके जो आंदोलन किसान के आंदोलनों को टीवी पे देख के और ये समझते हैं ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देश का वो अन्नदाता है जिसने आपकी तिजोरी में रोटी जाने से बचाने की हर लड़ाई लड़ रहा है।
मैं उनको बता देना चाहता हूँ। और ये किसान ही है, जब भी जिंदगी में देश पर कोई आपदा आएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आई हो या किसी और देश के माध्यम से आई हो, ये किसान ही उस लड़ाई को जीतेगा। और ये लड़ाई भी जीतेगा जो प्रधानमंत्री जी हमें घाव दे रहे हैं, किसानों को जो दर्द दे रहे हैं, हमारी MSP न मिलने के बाद भी पूरे देश में और सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि MSP है, MSP रहेगी, लेकिन कानून की चर्चा नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 600 शहीद होने के बाद भी किसान कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारे जो तख्ती लिए हुआ कुछ संसद, हमारे जो विचार के और हमारी भाषा को जो समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, उनको चिल्लाने के बाद भी और इग्नोर करके प्रधानमंत्री निकल जाता है, प्रधानमंत्री उन पर ध्यान नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री ने इस देश को अडानी अम्बानी के यहाँ गिरवी रखने में कोई कसर नहीं रखी, सारी संस्थाएं बेच दी, चाहे वो रेलवे ले लो, LIC ले लो, एयरपोर्ट ले लो, लाल किला ले लो, जितनी भी देश की संस्थाएं हैं, जो किसान की सिर्फ एक जमीन जो बची थी, इस पर अगर सही किसान ना जाग जाए तो हमें तो ये बताया गया था कि CA आपके फायदे का आया, NRC आपके फायदे का आया, GST आपके फायदे की आई, मैंने हम लोगों ने कभी दिमाग नहीं लगाया, सब देश के लिए हानिकारक है। लेकिन जब दिमाग लगाया, जब हमारी जमीने हड़पने के लिए इनने अपना दिमाग लगा दिया और अडानी अम्बानी के 5 साल से गोदाम बन रहे, वेयर हाउस बन के तैयार खड़े हैं, और ये जमीनों पे जब फीता फेंकने वाले हुए कानून बना के, तो हम किसान भाई सही समय पे सही फैसला लिया। अब ये किसान यहाँ से जब ही जाएगा जब ये कानून निरस्त होंगे, MSP की कानून बनेगी, प्रधानमंत्री ये रहे न रहे जो आएगा वो करेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप हिंदू ही हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, मगर लगातार प्रधानमंत्री या भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और भी कुछ लोगों के, तो सवाल ये है कि 70-75 सालों से मुगल शासन रहा, ब्रिटिश राज रहा, कभी भी हिंदू खतरे में नहीं आया, मगर जहाँ पर प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, अब हिंदू खतरे में आ गया और लोग जो है हिंदू युवा वाहिनी बनाए हुए हैं, हिंदू रक्षा दल बनाए हुए, तो कितने हिंदू संगठनों की ज़रूरत पड़ गई है देश को? इन जो जिनकी आप बात कर रहे हो ना, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, इनका हिंदू धर्म से रोजगार कमा रहे हैं। इनके यहाँ के देखो जाके जो हिंदुओं को ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए की संपत्ति है हिंदुओं को, मंदिर के कौन सा हिंदू होगा भाई, मंदिर के 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, सब खा गए, हमारी बहनों ने बेटियों ने मंदिर के लिए जो अपना सोना चांदी दाज उस जमाने में दिया था वो सब खा गए। अभी देख रहे हो ना, भगवान राम की उसमें 18,500 करोड़ का घोटाला, 18 करोड़ का घोटाला कर दिया, इनका हिंदुओं से क्या लेना देना है? ये भगवान राम से भी बड़े बनना चाहते हैं हिंदू, इनको हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, भगवान राम में और भगवान श्री कृष्ण में मेरी आस्था है, मेरे घर में मंदिर है, मैंने मोहल्ले में मंदिर बनवाया, हम सब किसान अपनी हैं, कोई गुरुद्वारे में कोई मंदिर में रोज़ यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते, हम उनमें से हिंदू नहीं है कि हमें भाजपा में शामिल होना है। हमें ऐसे लोग भी हिंदू हो ही नहीं सकते जो हिंदुओं का व्यापार करते हों, अपनी रोजी रोटी हिंदुओं से चलाते हों, हिंदू धर्म को बेचते हों, और भारतीय जनता पार्टी में हिंदुओं को हिंदुओं के साथ इस तरीके से दूसरे धर्मों का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ठीक होती है, टिकट मिलती है, डासना का नरसिंहानंद जो है उसको क्या है, उसे नेता बनना है। जो यहाँ चिल्लाए थे आज वो 8 दिन से टीवियों पे आ रहा है, जो जिम्मेदारी ले रहा है जंतर मंतर की, वो पिंकी चौधरी, हाँ। वो 8 दिन से टीवी पे छाया पड़ा है, हाँ। 8 दिन से टीवी चैनल, और टीवी चैनल वाले हमारे टिकैत साहब से कैसे सवाल करते हैं नोटिस करना, टिकैत साहब जब टीवी चैनल पे जाते हैं या हमारा संयुक्त मोर्चा का कोई जाता है तो उससे सवालों का लहजा उनका देख लो और उस पिंकी चौधरी से सवालों का लहजा देख लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी मीडिया, जो मीडिया हाउस हैं जिनके मालिक दलाली करके और पैसा लेके भाग गए, वो पूरे की पूरी चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। उन टीवी चैनलों को देश से कोई लेना देना नहीं, उन टीवी चैनलों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, हिंदू छिटक गया, हिंदुओं को कैसे हम अपने हाथ में लाएं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू जितने भी आपका टीवी चैनल देख रहे हैं, मैं उनको सीधा कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म के साथ व्यापार करते हैं, अगर व्यापार नहीं करते होते तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर मैंने बनवाया, इनने बनवाया तो कोर्ट क्या कर रहा था भाई, और अगर कोर्ट का फैसला ये नहीं मानते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं तो इतना लेट क्यों बनवाया था, जब तुम इतने बड़े ज्ञानी थे तो। तरीका जो पॉपुलरिटी आई है वो कहां से आई है, 2002 के दंगों से तो आई,
2002 के दंगों से ही तो प्रधानमंत्री को जाना, प्रधानमंत्री को उसके बाद 2002 के बाद कहा गया था गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखा दिया ना, वहाँ गुजरात मॉडल में अडानी अम्बानी को पनपाया गया, गुजरात मॉडल में देश को ये बताया गया था कि हम किसानों की डबल आय कर देंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि अडानी अम्बानी से अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने इतना पैसा ले लिया है चुनाव में कि अब वो उन फाइलों पे साइन करके आए कि पूरी किसानों की, देश के किसानों की जमीन अडानी अम्बानी को देनी है। इसीलिए पाँच साल से वेयर हाउस बने पड़े हैं और इन्होंने सदन के अंदर कानून, भाई एक बताओ मुझे कि कोई भी कानून संसद में पहले बनती है उसके बाद वो जमीन पे लागू होती है, ये कौन सा प्रधानमंत्री है जो उद्योगपतियों को पहले पता है कि कानून ये आने वाली है, उनके वेयर हाउस बन रहे शुरू हो गए पाँच साल से, ये कौन से प्रधानमंत्री है भाई, कौन सी फाइलों पे साइन अडानी अम्बानी के फाइलों, हम तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो ड्राफ्ट आया है ये काले कानूनों का, तीनों का, ये काले कानूनों का ड्राफ्ट अडानी अम्बानी के यहाँ से आया है, प्रधानमंत्री ने अभी तक वो ड्राफ्ट पढ़े तक नहीं और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पढ़े। ये क्या है, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो है बंगाल में मतलब के चित खा गई, पूरा खत्म हो गई समझिए, मगर फिर भी उसके बावजूद उत्तर प्रदेश है, बहुत संख्या है उनके MLA की, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसके साथ आप लोग हैं और कौन आपकी सपोर्ट में? उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि इनने जब ये किसानों का मामला हुआ था, जब हमारी 11 दौर की बात हुई उसमें बात नहीं बन पाई, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि इन कानूनों में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वापस लेनी है, क्योंकि पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही काला है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हम किसान चौपाल लगाएंगे, हिम्मत पड़ी नहीं पड़ी, इनके विधायक गाँव में जाने से डर रहे हैं। चुनाव की अब बात कर रहे हो ना, चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, इनके विकास की कोई बात नहीं करेंगे। इनने अगर दम थी, इनका 56 इंच का सीना था, तो ये उत्तर प्रदेश में वोट क्यों नहीं लगाया इन्होंने, यूपी दिल्ली में वोट क्यों लगाए, उत्तर प्रदेश में किसान की बात क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाके कानून क्यों नहीं समझाते। अगर कानून पर तुम्हें इतना विश्वास है तो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाके पंचायत कर लो ना, किसान तो जा रहा है, किसान तो हर गली में जा रहा है और अपने किसानों को समझा रहा है, लेकिन ये कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, ये जंतर मंतर पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग करवा रहे हैं और TV चैनलों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये हिंदू और मुसलमान मान से करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान किसी भी कीमत पे इन्हें हिंदू और मुसलमान की तरफ नहीं जाने देगा, यहां खींच के विकास पे लाएगा, काले कानूनों पे लाएगा, किसान के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ उस पे लाएगा, बलात्कार और जो अपहरण हुए हैं उन पे लाएगा, बेटियों को जलाया गया, बेटियों के साथ अन्याय और शिक्षा के ऊपर जो कब्जा किया गया प्राइवेट लोगों का, उन पे चुनाव होगा। चुनाव होगा तो मुद्दों पे होगा। देखो एक तो बात सीधी समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं से कहीं तक कोई वजूद में है नहीं उत्तर प्रदेश के। अब आपने पूछा तो इसका मतलब ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हम समझ रहे थे, वो प्रधानमंत्री ने ये कहा था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने स्टेशन पर चाय बेची, किसान दिल का बहुत भोला था, राजनीति जानता नहीं था, बोलना जानता नहीं था, सुनना जानता था, किसान ने कहा भाई हमारी बिरादरी का आदमी है ये और हमें हम वोट से दे देंगे तो हमारी जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल आय के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे, किसानों ने जो है और 15 लाख रुपए, भाई क्या नहीं हमें मिल रहा था? जब हमें सब कुछ मिल रहा था तो हमने भी दाएं दाएं वोट डाले, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला हम सभी किसानों को कि ये अडानी अम्बानी का, अडानी अम्बानी के यहाँ फाइलों पे साइन करके आया है कि तुम वेयर हाउस बनाओ और ये जमीन जो है हम किसानों की, हमारी गारंटी हम तुम्हें देंगे। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे कोरोना काल में सारे के सारे रोजगार बंद कर दिए गए GST के नाम पे, और GST में प्रधानमंत्री ताली बजा के खुश होता रहा कि देख लो हमने 500 फैक्ट्रियां बंद करा दी। अरे प्रधानमंत्री तुमने 500 फैक्ट्रियां नहीं बंद कराई, तुमने उन बच्चों पर लात मारी जो अपने घर का लाखों बच्चे रोजगार और से अपना पेट पाल रहे थे। प्रधानमंत्री जी GST से अगर तुमने देश को फायदा नहीं पहुंचाया, तुमने सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया कि उनके एक कलम में हिसाब किताब बराबर है।
कोई उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने आपको याद हो ये कहा था कि आपदा में अफसर ढूंढो, तो हम नहीं समझ पाए ना, हम लोग किसान लोग आपदा में अफसर अपने मित्रों को कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने देखा होगा कि ठेका लिया, बनारस में पुल गिर गया, हजार सैकड़ों लोग मर गए, आज दिन तक उस पर कुछ नहीं हुआ। जब किसी ने बनारस में एक प्रधानमंत्री के लिए हुए गांव को दिखा, गोद लिए हुए गांव को दिखा दिया, तो वो पत्रकार आज जेल में है। कोई भी आदमी प्रधानमंत्री की सच्चाई दिखाने को अगर तैयार होगा तो वो या जेल में होगा या वो मर्डर हो जाएगा उसका। क्यों किसान अपनी एक एक बोरी गेहूं ला के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टिर्री, हमारे फंड पे न जाने कितने आरोप लगाए। ये प्रधानमंत्री राष्ट्र का भला तो नहीं कर सकता, इतना हो सकता है कि किसी उद्योगपति का अगर भला कर सकता है तो वो अपना कर रहा है पूरी तरीके से, और ये राष्ट्र को बेच के अपने उद्योगपतियों को सर्वो देश का सर्वोपरि पैसे वाला बना के, और मुझे लगता है ये देश से भागेगा, देश में रहेगा नहीं। तो 22 में योगी जी की तैयारी है जाने? कैसे तैयारी है जाने की, वापस जाने? वापस जाने की ही पूरी तैयारी है। अगर वापस जाने की बात करो, उस तैयारी की बात मत कर देना, नहीं गलत फहमी का शिकार हो जाओगे तुम भी। नहीं, नहीं। क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, काम ये नहीं बता सकते योगी जी। हाँ। हमें दो कोई भारतीय जनता पार्टी का बाबा योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के कोई भी बता दे। आप देख लो, अखिलेश यादव जी की सरकार में नौकरी दी गई और उन बच्चों को कह दिया कि हमें रोजगार इनको दिया, और वो बच्चे सामने आके मीडिया के सामने और अपने लाइव फेसबुक में बोले कि हमें पिछली सरकार में नौकरी मिली। जो लैपटॉप अखिलेश यादव जी की सरकार में दिए गए थे, बच्चों ने उन्हीं से कोरोना काल में अपना पेट भरन भरण पोषण किया। जो एम्बुलेंस और जो गाड़ियाँ डायल 100 अखिलेश सरकार में दी गई थी, उन्हीं से कोरोना काल में काम लिया गया। एम्बुलेंस जो जिसके टायर घिस गए, वो अस्पतालों में आप कहीं जाओगे तो देख लेना कि कबाड़े में खड़ी हैं। डायल और जो डायल 100 थी, पुलिस वाले कहीं बंपर और सेल्फ नहीं चेंज हुए अभी तक। पुलिस थाने में आप चले जाओगे तो कोने में खड़ी मिल जाएंगी, पुलिस वाले धक्के लगाते मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ तो आंदोलन के नाम से घोटाले हुए, उसके नाम से घोटाले हुए, कोरोना काल के नाम से, कोरोना काल में राम मंदिर के नाम का ही घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। जब कोई सरकार आएगी, जब जांच करेगी, राम के नाम पर ही घोटाला है। राम का नाम इन्होंने जब जब लिया, जब जब देश को और उत्तर प्रदेश को लूटा है इन्होंने। राम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, राम से इन्हें कोई इन्हें मोहब्बत नहीं। जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवाते नहीं बोलते भाई, जय श्री राम बोलते हैं, सिया राम नहीं बोलते। भगवान सीता माता से तो उन्हें नफरत है, जैसे आरएसएस वालों को सीता माता से कोई लेना देना नहीं। बहनी बेटियों की आबरू कितनी लुट रही है, उन्हें बहन बेटियों से सख्त नफरत है। हमारे देश की बेटियों की इज्जत लुटती रहती है, जला दी जाती हैं। अभी तुम जिला पंचायत सदस्य और बीटीसी के चुनाव में देखे होगे, आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने सरेआम उनकी पल्लू और साड़ियाँ खींची गई। कोई बोलने वाला था? इस देश के अंदर पोस्टर तब तो लगाए जाएंगे जब किसान आंदोलन करेगा, जब किसान नखलऊ जाने की बात करेगा, जब एक तबका सीए और एनआरसी पे इनसे जवाब मांगेगा कि सीए एनआरसी किसके लिए लगा रहे हो, तो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों को भिड़ाने के लिए ये मुसलमानों की बात करेंगे, तब तो पोस्टर लगाए जाएंगे। लेकिन हमारी बहनों का कोई चीरहरण करेगा, हमारे देश को कोई बेचने का काम करेगा, बेटियों की आबरू लूटेगा, बेटियों के परिवार को नष्ट कर देगा, इस देश को बर्बाद कर देगा, और मुसलमान कोई बेचारा ठेली अगर पटरी लगा के अपने बच्चे पाल रहा है, जय श्री राम के नाम से उसको मारा पीटा जाएगा, दलित को किसी को मारा पीटा जाएगा और दलित को जय श्री राम बुलवाया जाएगा, तो ये देश उनके पोस्टर नहीं लगवाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। उनकी उनसे पता नहीं क्यों उधर दी है। तो योगी आदित्यनाथ जी अपने खुद के 25 मुकदमे वापस लेके और यहाँ उनके जो विधायक जो जिन्होंने दंगे करवाए उन विधायकों के मुकदमे वापस लेके और ये समझते हो कि उत्तम प्रदेश बन गया तो तुम उत्तम बन सकते हो। उत्तर प्रदेश को अगर अपना सही नज़र से देखोगे, किसान की नज़र से देखोगे, किसान के बीच में अगर आके हालचाल लोगे, तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया। जो पिछली सरकारों ने हाईवे, पिछली सरकारों ने जो संसाधन दिए थे, उन संसाधनों को मिटा दिया गया। आज वो पुलिस से बात कर रहे हो ना आप, किसी पुलिस एक एक पुलिस वाले का डीए और जो उनको अलाउंस मिलते थे उनके काट दिए गए, पुलिस वाले रो रहे हैं। किसी सरकारी संस्थान वाले बात करो, नौकरी उनकी जो है डीए खत्म कर दिया गया उन्होंने। भाई और सरकारें पैसा कहाँ से ला रही थी, कैसे दे रही थी, तुमने क्या किया? कोई काम नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर किया। और उनका पुलिस में जो पुलिस के लेके सरकारी संस्थान में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं उनका डीए काट दिया आपने। आपने किसानों का जो है धान लूट लिया, उस पर MSP नहीं दी। आपने गेहूँ लूट लिया, आपने हमारा ज्वार बाजरा जितनी भी मोटा धान मोटा फसल होती वो भी सब लूट ली आप।